देश में हो रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पत्रकारों पर बेवजह कार्रवाई के खिलाफ पीयूसीएल तथा जमशेदपुर शहर के प्रबुद्धजनों के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि लगातार देश भर में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ता को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देश भर में एक तरह के अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरन अपनी नीतियों को देशवासियों के ऊपर थोपना चाहती है और देश की जनता इससे त्रस्त है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने देश के राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा है और मांग उठाई कि इस तरह के अघोषित आपातकाल की स्थिति से देश को बाहर निकाले, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भर में जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और फर्जी मुकदमों में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वकीलों को फंसाया जा रहा है और एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। ये पीयूसीएल के आह्वान पर तमाम प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता देश भर में इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो सरकार का अभी फिलहाल रवैया है, जो बुनियादी सवाल है, जो मसले हैं, उसको अनदेखा किया जा रहा है। बेरोजगारी का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, खदानों के सवाल हो, जीएसटी के भुगतान का सवाल हो राज्यों का, ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों का जबा किया जा रहा है। तो हम तमाम जमशेदपुर के निवासीगण पूरे देश के जनता के साथ में एकजुट हैं और इसकी खिलाफत कर रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो कायम रहे और जनता के बुनियादी मसलों को का समाधान किया जाए। जो आज युवाओं के सामने और कोविड के चलते स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हुई है, इन सभी का समाधान हो, इस मसले पर हम लोग यहां पर एकजुट हुए हैं और सरकार को और समाज को, दोनों को हम लोग अपना संदेश दे रहे हैं, ताकि एकजुट होकर अपने बुनियादी मसलों पर सक्रिय हों, सचेत हों, ताकि लोगों की जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो कम हो सके।